हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो इस वीडियो में आप देखेंगे प्रोजेक्ट का स्टार्टर टेम्पलेट, क्योंकि मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहां पर जो है स्टार्टर टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है। आपको क्या करना है, सिंपली इसको डाउनलोड करना है और यूज करना है। तो आप मेरा गिटहब पेज विजिट करेंगे, github.com/techinfo-youtube। अच्छा, सर्च क्या करना, मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्या करें इसको डाउनलोड करें। तो रिपोजिटरीज पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टॉप पे मिलेगा पिज्जा शॉप स्टार्टर टेम्पलेट। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जो है इसको डाउनलोड जिप करना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लोन भी कर सकते हैं। तो इसको क्लोन करने के बाद आपको क्या करना है, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मेरे केस में पिज्जा शॉप। और वहां पर आपको क्या करना है, एक न्यू फोल्डर बनाना है क्लाइंट के नाम से या फिर फ्रंट एंड के नाम से, और उसके अंदर ये सारा कोड जो है आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए npm install का कमांड आपको यूज करना है। तो मेक श्योर आप जो है क्लाइंट या फिर फ्रंट एंड नाम से जो भी फोल्डर क्रिएट करेंगे उसके अंदर टर्मिनल में स्विच करें, फिर यहाँ पर जो है आप npm install की कमांड जो है लिखे। तो यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन थोड़े मेंशन कर रखे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको विजिट करके बता देता हूँ कि टेम्पलेट का होम पेज आपको कैसा नजर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं विजिट करता हूँ लोकल होस्ट 3000 पर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको नजर आएगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगो है और यहाँ पर टाइटल है। उसके बाद में हमारे पास कुछ यहाँ पर डमी सा यहाँ पर मैंने कॉन्टेंट एड किया था जिसको हम जो है अभी रिमूव कर देंगे। तो मैं एक बार आपको पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बता देता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है। जैसे आप npm install कमांड लिखेंगे तो ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद में देखिए हमारे पास क्या है, पब्लिक का फोल्डर है जिसके अंदर मैंने इमेजेस का फोल्डर एड किया है, जिसके अंदर हमारे पास पिज्जास के इमेजेस है। तो ये थर्ड पार्टी इमेजेस है, यानी कि मैंने क्या किया है यहाँ पर dominos.com पे से इसको कॉपी पेस्ट किया है। तो कॉपी पेस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए चलता है, लेकिन आप रियल प्रोजेक्ट पर जो है कमर्शियल यूज के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद में हमारे पास क्या, यहाँ पर देखिए कुछ एप्पल टच आइकॉन, फिर फेव आइकॉन, तो ये सब मैंने रिप्लेस कर दिया हमारे पिज्जा के लोगो से। उसके बाद में हमारे पास index.html और इसको भी मैं एक बार ओपन करके बता देता हूँ आपको। तो कुछ खास नहीं, इसमें हमने सिर्फ टाइटल चेंज किया है, बाकी सब सेम है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। और इसके बाद में हमारे पास ये लोगो है, मैनिफेस्ट है, आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और robots.txt फाइल है जो कि SEO के लिए जरूरी होती है। और उसके बाद में हमारे पास है src, इसके अंदर से देखिए मैंने यहाँ पर कुछ फोल्डर्स ऐड किए, जैसे कि कंपोनेंट्स, स्क्रीन्स और शेयर्ड फोल्डर। तो कंपोनेंट्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रेगुलर कंपोनेंट होते हैं हम उसको यूज करेंगे, और स्क्रीन्स के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी चीज हमको डिस्प्ले करानी है तो हम उसको एज अ स्क्रीन कंपोनेंट यूज करेंगे। अब ये पैटर्न हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट जेएस भी बहुत सारे लोग आगे सीखेंगे तो उनको भी इजीली समझ में आ जाएगा स्क्रीन्स में होता क्या है। इसके बाद में हमारे पास है शेयर्ड का फोल्डर, जिसमें अगर हमको कुछ ऐसी चीजें जो बार बार यूज हो रही है तो हम इसके अंदर इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में app.css empty कर दिया है मैंने, और app.js को भी क्लीन अप कर दिया है टोटल। और साथ ही में देखिए मेन चीज इसमें क्या है, package.json की फाइल मैं आपको बता देता हूँ, डिपेंडेंसीज है कुछ, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड करके रखा है तो आपको बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, एट ए टाइम वन टाइम में ये सब डाउनलोड हो जाएंगे। इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर रिएक्ट आइकॉन्स है जो कि लाइब्रेरी है बहुत फेमस, अगर आपको मैं विजिट करके बताऊँ तो यहाँ पर मैं आपको विजिट करके बताता हूँ रिएक्ट आइकॉन्स। तो जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट यहाँ पर शो करेंगे, जैसे कि टॉप पर ही रिएक्ट आइकन्स। तो इसमें क्या है, बहुत सारे आइकन्स आपको रेडीमेड मिल जाते हैं, सिंपली आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। देखिए एंड डिजाइन, बूटस्ट्रैप, बॉक्स आइकॉन, फेदर, फ्लैट आइकॉन, ये सारे इसमें एक ही जगह पर आपको मिल जाते हैं, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर इसको डाउनलोड करके रखा है। तो इसके बाद में हमारे पास है रिएक्ट राउटर बूटस्ट्रैप, फिर रिएक्ट बूटस्ट्रैप, एक्सजीओएस का पैकेज हमने इंस्टॉल किया है, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किया, और हाँ बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करके हमने क्या किया, index.js में यहाँ पर देखिए इसको इंपोर्ट कर दिया है। तो ये सारा जो मैनुअल स्टेप है मैंने ऑलरेडी आपके लिए सेट करके रखा है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप डायरेक्टली जो है कोडिंग पर ध्यान दे सकते हैं। मर्शल आपको अगर खुद से करना है तो भी कर सकते हैं आप, सिंपली क्या करें npm में जाके यहाँ पर आप देखिए package.json की फाइल में जाए और यहाँ पे चेक करें थर्ड पार्टी पैकेजेस कौन से, जैसे कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप, उसके बाद में रिएक्ट आइकन्स, रिएक्ट राउटर बूटस्ट्रैप, रिएक्ट राउटर टॉम, और यहाँ पर हमारे पास है बूटस्ट्रैप, एक्सजीओएस,
ये सारे चार पांच पैकेजेस हैं जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी जो है यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो बाद में आपको इसको डाउनलोड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो यही था बेसिक्स स्ट्रक्चर हमारे एप्लीकेशन का, जिसका आउटपुट आपके सामने यहाँ पर ये बेसिक सा हमको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। और मेक श्योर आप जो है यहाँ पर इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, क्योंकि अगर आपको सोर्स कोड से रिलेटेड कुछ भी क्यूरीज है या फिर आपको सपोर्ट हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम के थ्रू ही मैं जो है आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल को पता है जिन्होंने मेरा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट किया था, यानी कि जो भी ट्यूटोरियल्स फॉलो कर रहे थे, जिनको दिक्कत आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर जितना हो सके उतना सपोर्ट दिया था। उसके बाद में हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपली हमको क्या करना है, अब डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, टॉप बार क्रिएट करेंगे। और हाँ, मेक श्योर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें प्लीज। वीडियो जरूर जाते टाइम या फिर स्टार्ट में ही आप जो है लाइक करते चले। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।